अभी आप ये जो देख रहे हैं ये एक बजाज का इमर्शन रड है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आप इसको कैसे यूज करेंगे और किस तरीके से हमें यूज करना चाहिए, जो सही तरीका है। बाजार में अलग अलग तरह के इमर्शन रड मिलते हैं, बट आज के डेट में भी कई लोग इसका सही उपयोग करना नहीं जानते हैं। सो ये वीडियो के साथ, पूरे वीडियो के साथ बने रहिए। यदि हम इमर्शन रड के बारे में बात करें तो इमर्शन रॉड में कई तरह के रड आते हैं, सस्ते में, महंगे में, लेकिन कभी भी हमें जो इमर्शन रॉड लेना चाहिए वो काफी अच्छी क्वालिटी का लेना चाहिए, को जो कि कंपनी का हो। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये बजाज कंपनी का इमर्शन रॉड है और इसमें हमें यूज किस तरीके से करना चाहिए। ये जो पावर प्लग दिया हुआ है 3 पिन का, मोस्टली कोशिश कीजिए कि आपके घर में जो कि अर्थिंग का प्रॉपर व्यवस्था हो। इससे क्या होता है कि हमें जो कि ये शॉक नहीं लगता है। अगर आपके घर में अर्थिंग की व्यवस्था नहीं होगी तो आपको झटका भी लग सकता है, तो कृपया इसको यूज करने से पहले सावधानी बरतें। और हम आगे आपको वीडियो में दिखाएंगे कि इसको बाल्टी में कैसे प्रयोग करना है और किस तरह के बाल्टी में आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि ये इमर्शन रॉड है, इस इमर्शन रॉड में आपको यहाँ पे देख रहे हैं ये वाटर लेवल इंडिकेटर दे रखा हुआ है। कभी भी जब भी हमें पानी में इसको डालना हो, इस तरीके से जब भी हम पानी में इस तरीके से डालें तो हमेशा कोशिश करें कि यहाँ पे ये देखिए, ये जो दिया हुआ है आपको हम दिखाते हैं बिल्कुल करीब से। वाटर का ये जो मिनिमम लेवल है, यानी कि पानी कभी भी इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि इस हीटर में, इमर्शन रॉड में, इतना दूर आपका गर्म होगा तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। पानी अगर इतनी मात्रा रहेगी, आधी मात्रा रहेगी, तो इसके ऊपर का हिस्सा तो गर्म होगा। अब इस कंडीशन में होता क्या है कि इसके ऊपर का हिस्सा बहुत जल्दी खराब हो जाता है। मोस्टली अगर इमर्शन रॉड का खराब होने का कारण यही होता है कि लोग क्या करते हैं कि इसको पूरी तरह से पानी में नहीं डुबाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि आधा तो हिस्सा काम कर रहा होता है, लेकिन आधा हिस्सा ना पानी में रहने की वजह से बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो आप कोशिश करिए, जब भी आप इस तरह का इमर्शन रॉड अगर यूज करें तो अच्छी कंपनी का यूज करें। और मार्केट में सस्ते भी इमर्शन रॉड आते हैं, लेकिन आप जो भी इमर्शन रॉड यूज कीजिए उसमें मिनिमम जो लेवल दे रखा है, यानी कि ये जो हमारा मिनिमम वाटर लेवल है, कोशिश कीजिए यहाँ तक जरूर पानी रखें। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम यदि आप यहाँ तक रखते हैं तो जब भी आप रड लें तो देख लें कि कम से कम इतनी दूरी थोड़ा सा बचा हुआ हो। नहीं तो क्या होता है, कई इमर्शन रॉडों का जो कि यहाँ पे बिल्कुल सटा हुआ होता है, अब हम जब मैक्सिमम लेवल तक पानी लेके जाते हैं तो इसमें पानी घुसने की चांस होती है और जिससे हमें शॉर्ट सर्किट या हमारा शॉर्ट होने का भी खतरा रहता है। इस तरीके से आप अगर यूज करते हैं तो काफी अच्छा चलता है। अब हम आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि इसको पानी में डुबोएंगे कैसे। इसको अगर, जैसे कि ये बाल्टी है, ये प्लास्टिक का बाल्टी है, यदि अगर आप प्लास्टिक के बाल्टी में यूज कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप इसके बीच में ही ऐसे डुबाया करें। जैसे देखिए, ये जो वाटर का इंडिकेटर लेवल है हम आपको दिखा रहे हैं इसके, क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है, जैसे कि आप अगर इसके साइड में ऐसे अगर इसको लगा देंगे तो इस कंडीशन में होता क्या है कि ये साइड का जो हिस्सा होता है गर्म होता है, गर्म होने की वजह से प्लास्टिक का जो हमारा बाल्टी होता है वो पिघल जाता है। यदि आप प्लास्टिक के बाल्टी में यूज कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि इसके बीच में ऐसे, देखिए जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे बीच में होना चाहिए। और ये बिल्कुल ये भी नहीं कि हम इतना आधा डुबो के रखें, नहीं, अधिकतर कोशिश कीजिए कम से कम ये मिनिमम जो लेवल है इतना हमारा डुबा होना चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे काफी अच्छा और लॉन्ग चलता है। अभी ये अगर मैक्सिमम जाता है पानी का लेवल तो इतना, इससे ज्यादा नहीं। यदि आपके पास लोहे का बाल्टी हो या स्टील का बाल्टी हो तो यहाँ पे जो ये दिया हुआ है, दिखाते हैं हम, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बाल्टी के इस हिस्से में ऐसे फंसा देते हैं। देखिए जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि अब बाल्टी को अगर हम इस हिस्से में इस तरीके से अगर फंसा दें तो क्या होता है कि साइड का जल जाता है। अब प्लास्टिक का बाल्टी है तो कोशिश कीजिए कि बीच में ऐसे करके आप इस पानी को गर्म करें, तो आप प्लास्टिक के बाल्टी में भी गर्म कर सकते हैं। इस तरह जब भी आप डालें तो कोशिश करें कि जो स्विच है आपका वो पावर सॉकेट से स्विच को बंद रखें या तो बाहर प्लग को बाहर निकाल लें। उसके बाद से इसको अच्छी तरीके से प्रॉपर लगाने के बाद से आप तब स्विच को ऑन करें। और जब भी आपको ये पानी देखना हो कि चेक करना हो गर्म है कि नहीं जितना, तो कभी भी आप इसमें लगे हुए में चेक ना करें। अगर आप इसमें लगे हुआ है और आप इस तरीके से हाथ अगर इसमें डालते हैं
तो आपको झटका भी लग सकता है। इसलिए कोशिश करें जब भी आपको पानी चेक करना हो तो इस तरह आप इसको बाहर निकाल, इस तरह पानी को चेक करें कि आपका गर्म है कि नहीं गर्म हुआ है, जितना आपको गर्म चाहिए। कभी भी लगे हुए में आप ना उसको चेक कर रहे हैं तो इससे आपको झटका भी लग सकता है। हमें उम्मीद है हमारा वीडियो देखने के बाद से आप पूरी तरह से समझ गए होंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे डाल दें।